तो भाई समोसा खाना किनको नहीं पसंद होता, हर किसी को पसंद आता है, बड़े हो या बच्चे, जब भी मार्केट जाते हैं तो समोसा खाकर ही आते हैं। तो क्यों नहीं समोसा घर पे बनाया जाए। तो आज हम बनाएंगे 1 कप आटे से बहुत सारे समोसे। हाँ दोस्तों, पूरे परिवार के लिए 1 कप आटे से हम बनाकर तैयार करेंगे मिनटों में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हमने 1 कप मैदा ले लिया है, तो उसमें डालेंगे 1 कप सूजी। थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी करने के लिए हम सूजी ऐड करेंगे दोस्तों। आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर डालना चाहते तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच तेल मोइन के लिए, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद, और ये देखिए थोड़ा हाथों से दबने लगा है ना, मतलब मुट्ठी जैसा बंध रहा है, तो मतलब हमने मोइन एकदम परफेक्ट दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे गूँथ लेंगे। तो ये आटे एकदम मुलायम गूँथना है दोस्तों। तो देखिए इस तरह से हमने आटे को गूँथ लिया है, और ये देखिए इस तरह से हम चेक करके दिखाते हैं, ये देखिए है ना, कड़क नहीं है दोस्तों, एकदम मुलायम है। तो चलिए हम इसे ऐसा ही रेस्ट पे रहने देते हैं। तो हम एक काम और करेंगे, एक घोल तैयार कर लेंगे। तो हम एक कटोरी लेंगे और इसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच मैदा, और इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच पानी, और इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए ना गाढ़ा है ना पतला है, तो इस तरह से घोल तैयार कर लेना है। तो चलिए इसे साइड में रख देते हैं। अब एक कढ़ाई लेंगे और इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल, जीरा, जीरा को रोस्ट होने देंगे। इसके बाद डाल देंगे हरी मिर्च। तो पहले हम लहसुन की कलियां डाल देंगे, इसके बाद हरी मिर्च डाल देंगे, और इसे 1 मिनट के लिए सोटे कर लेंगे। और ये देखिए मिर्च थोड़ा फ्राई हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज। तो चलिए हम इसमें प्याज ऐड कर देते हैं। तो हमने प्याज को अच्छे से बारीक कट कर लिया था। तो आप चाहे तो इसमें ऐड करना चाहते तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं दोस्तों। इसके जगह पे आप मूंगफली के दाने को अच्छे से रोस्ट करके उसे क्रश करके डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, फिलिंग्स में बहुत ही अच्छा एकदम सौंधापन आएगा और खाने में टेस्टी लगेगा। तो ये देखिए प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो इसमें डाल देंगे हम धनिया की पत्ती, और इसे डालकर मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद डालेंगे बॉयल किया हुआ आलू। तो देखिए हमने बॉईल किया हुआ आलू ले लिया है। तो हम इसमें आलू को अच्छे से पहले मैश नहीं किया था दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसे डालेंगे और इस तरह से अच्छे से मैश करते हुए मिक्स करेंगे। और ये देखिए जो खड़ा खड़ा आलू है ना, वो इस तरह से हम मिक्स करते जाएंगे और ये अच्छे से मैश होते जाएगा। तो इसमें पहले हम बेसिक मसाले ऐड कर देते हैं। डाल देंगे धनिया पाउडर, हल्दी, आमचूर का पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो इसमें आमचूर का पाउडर ज़रूर डालिएगा दोस्तों, इससे बहुत ही मतलब खट्टा खट्टा फ्लेवर आता है और खाने में टेस्टी लगता है। तो आप इसमें आमचूर का पाउडर आधी छोटी चम्मच ज़रूर डालिएगा। और अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसे मैश करेंगे। और ये देखिए इस तरह से जो खड़ा खड़ा आलू था ना, वो एकदम मैश हो चुका है दोस्तों। तो इस तरह से अच्छे से मैश कर लीजिएगा। और अब हम इसमें डाल देंगे धनिया की पत्ती और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए हमारा फिलिंग्स तैयार है। तो चलिए हम इसे साइड में रख लेते हैं। और अब हमने जो आटे को गूँथ कर रखा था ना, वो अब हम इसका 2 लोई बना लेंगे। तो चलिए हम इसे अच्छे से पहले गूँथ लेते हैं, इसके बाद 2 लोई बना लेंगे। तो देखिए तो इस तरह से हमने 2 लोई बना लिया है दोस्तों। तो ये 2 लोई से पूरे परिवार के लिए नाश्ता बन के तैयार होगा दोस्तों, मतलब ये समोसा। तो आप एक बार घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब हम इसे लोई को अच्छे से बेल लेते हैं गोल आकार में। तो एकदम पतला बेलना है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है, एकदम पतला बेलना है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से हमने अच्छे से बेल लिया है, और ये देखिए एकदम पतला बेला है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से 4 भागों में कट कर लेंगे, और ये 4 भागों को फिर से 2 भागों में कट कर लेना है। और ये देखिए तो इस तरह से आप कट कर लीजिएगा, मतलब देख रहे हैं ना जिस तरह से हम कट कर रहे हैं, आप इस तरह से कट कर लीजिएगा। और अब हम क्या करेंगे, ये त्रिकोणी भाग है ना, उस पर हम फिलिंग्स को डालेंगे। और ये देखिए बस थोड़ा सा चम्मच से लेना है, और इस तरह से त्रिकोणी भाग में इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो क्या होगा समोसा बनाने वक्त ना मतलब थोड़ा परेशानी आएगी। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा फिलिंग्स डालिएगा। और ये देखिए हमने इस तरह से फिलिंग्स को सारे त्रिकोणी भागों में डाल दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने घोल तैयार किया था ना, वो घोल को इस तरह से साइड में लगा लेंगे। देखिए इस तरह से साइड भागों में इस तरह से घोल को लगा लेना है। और ये देखिए अब हम क्या करेंगे, दोनों से पकड़ेंगे इस तरह से, दोनों साइड से पकड़ना है और इस तरह से चिपका देना है। और फिर से क्या करना है, ये त्रिकोणी भाग को पकड़ के ऊपर इस तरह से चिपका देना है, और इस तरह से अब हाथों में पकड़कर और ये दोनों साइड को इस तरह से चिपकाना है। देखिए तो इस तरह से समोसा का शेप आ गया ना, देखिए तो कितना आसान है बनाना दोस्तों। मतलब 1 लोई लो और ये इतने सारे समोसे बनके तैयार हो जाते हैं। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए एक बनाकर और दिखाते हैं। तो इस तरह से चारों तरफ तीनों तरफ से घोल को लगाना है, और ये दोनों पकड़ के इस तरह से चिपका देना है। देखिए और ये त्रिकोणी भाग को
पकड़ के और ये जो जिस तरह से चिपका है ना उधर चिपका देना है, और ये इस तरह से देखिए बिल्कुल इस तरह से त्रिकोणी भाग को इस तरह से चिपका देना। और ये देखिए हमारा समोसा एकदम परफेक्ट तरीके से बन के तैयार हो गया है, तो है ना एकदम मज़ेदार। तो आप इसे मिनी समोसा भी बोल सकते हैं दोस्तों, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और एकदम क्रंची बन के तैयार होता है, एकदम मार्केट जैसा तैयार होगा। तो अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था और इसे डालकर अब हम इसे 2 मिनट के लिए फ्राई होने देते हैं। इसके बाद पलट देंगे और ये देखिए इस तरह से पलट देंगे और इसे अलटते पलटते एकदम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि हमारा समोसा एकदम क्रिस्पी बन के तैयार होवे। तो चलिए हम इसे कंटिन्यू इसे लास्ट में इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे और ये देखिए एकदम समोसा जैसा लग रहा है ना दोस्तों। तो ये मिनटों में बनके तैयार हुआ। जिन्हें भी समोसा बनाना एकदम बोरिंग लगता है ना, आप ये तरीके से एक बार समोसे की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। तो देखिए हमारा समोसा बातों बातों में ही फ्राई हो चुका है। तो चलिए हम इसे निकाल लेते हैं और ये देखिए कितना एकदम मज़ेदार लग रहा है देखने में। तो चलिए हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और सेम प्रोसेस से सारे समोसे को तैयार कर लेंगे। और ये देखिए तो मतलब 2 लोई मतलब 1 कप आटे और 2 लोई से इतने सारे समोसे बनके तैयार हुए हैं दोस्तों। तो है ना मज़ेदार। तो आप एक बार घर पे तो ट्राई करना बनता है, जब भी मार्केट से लाते हैं ना तो 1-2 खाते हैं और लगता है और खाएं। तो आप इस तरह से घर पे बनाएं और इन्जॉय करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।